एक तरफ जहां भारत सरकार कोरोना को लेकर देश में जागरूकता फैला रही है, तो वहीं इलेक्ट्रो स्टील वेदांता ने एक अच्छी पहल करते हुए आम लोगों के बीच मास्क निःशुल्क देने के लिए बड़े पैमाने पर इसका निर्माण कार्य शुरू किया है, ताकि किसी की न जान जाए और न कोई इससे संक्रमित ही हो पाए। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता भी सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है, साथ ही गांव के महिलाओं के माध्यम से कोरोना से बचाव को लेकर अपना योगदान भी दे रहा है। गांव में 11 सेंटरों के माध्यम से महिलाएं स्वच्छता व सावधानी के साथ अन्य लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए मास्क के निर्माण में जुटी है, ताकि गांव में निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा सके और लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। फायदामंद हो इसलिए हम लोग नोज मास्क बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रो स्टील के थ्रू से बन रहा है, इसे हम लोग गांव में भी बांटा जाएगा, जो खरीद नहीं सकता है उसको भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता का कहना है कि सभी सेंटरों पर मास्क निर्माण के कार्य में युवतियां व महिलाएं सावधानी के साथ जुटी है, और इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास मास्क नहीं पहुँच पा रहा है। एक तो हम लोग मास्क बनवा रहे हैं, एक हमारा 11 सेंटर्स चलते हैं स्विंग सेंटर्स, तो हमारा ये एक पहल है जिसमें हम औरतों को सशक्त करें, औरतों को हम लोग इन्फॉर्म करें कि एक कोरोना नाम का एक वायरस है जो एक आपदा घोषित कर दिया गया है और वो किस तरीके से हानिकारक है, उसका हम लोग एक अवेयरनेस भी फैला रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों में उसका वितरण भी कर रहे हैं, ताकि अवेयरनेस के साथ साथ उससे कैसे बचा जा सकता है वो दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। जैसा कि अभी पूरे देश में कोरोना का जो है एक भय फैला हुआ है और लोगों को कई जगह तो जागरूकता भी नहीं है, तो हमारा सबसे पहला ये कदम है कंपनी की ओर से कि जागरूकता पहले फैलाई जाए। अलग अलग माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, मोबाइल हेल्थ वैन है हमारे पास जो कि गाँव में जाकर उनको जो है गाँव वालों को बता रहा है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता की यह पहल एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। कंपनी CSR के तहत कोरोना के बचाव को लेकर बड़े पैमाने पर मास्क का निर्माण कराकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही है। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट।